छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक बनाए गए भूपेश बघेल ने भाजपा पर बहुत सवाल करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से कुछ सवाल भी किए। यह सवाल नोटबंदी से लेकर ऑक्सीजन की कमी और कोविड-19 संक्रमण से हुई मौतों से है। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि नोटबंदी के बाद कितना काला धन आया या बताएं। गोविंद नगर प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगारों के साथ भूपेश बघेल के साथ डोर टू डोर कैंपेन में लगे थे और प्रदेश से उठ के वो राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा गया, न्यायालय तक पहुंच गया, तो आखिर इस देश को कहां ले जा रहे हैं? तो आपसी बातचीत से जी भारतीय जनता पार्टी, देखिए इनकी मास्टरी सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के में इसकी मास्टरी है। जहां जहां इस प्रकार से होते हैं इसके पीछे वही लोग होते हैं। और कोई सवाल? चार पोस्टल गर्ल्स में से तीन छोड़ चुकी हैं, उनका कहना है महिला का सम्मान नहीं पार्टी में, तो पोस्टल गर्ल्स चार में से तीन कांग्रेस छोड़ चुकी हैं। कांग्रेस की कई पोस्टल गर्ल्स, उसके बारे में जवाब दिया जा चुका है। विधानसभा सीटों में कांग्रेस कितने में जीतती नजर आ रही है? हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। देश में विभाजन की नीति करती है, विभाजन करने वाले ये लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत सवाल कांग्रेस से करती है। योगी जी बताएं कि यहाँ की नदियों में कितने लाश बह गई, मोदी जी बताएं कि कितने लोगों को ऑक्सीजन के कारण से मृत्यु हुई, कितने लोगों को रोजगार छीन गया, आखिर में ये बताएं कि नोटबंदी से कितने काले धन वापस आए, ये मोदी जी क्यों नहीं बता रहे? आपने कहा है कि नेहरू सवाल करते हैं, देखिए जो लोग स्वर्गवासी हो गए उनसे कुछ सवाल करेगा क्या? उसे सवाल करने तो वही जाना पड़ेगा, उसका जवाब तो हम नहीं दे सकते। लेकिन वो अभी हैं तो नोटबंदी का जवाब देंगे, वो GST का जवाब देंगे, वो यहाँ कितने लाशें नदियों में बह गई उसकी गिनती करके बताएंगे, क्यों नहीं बता रहे हैं?